इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र और आवर्धन। आज हम कुछ उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की सारी वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आज की इस वीडियो में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है भाई, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण दिया हुआ है हमारी बुक में, उदाहरण 10.1, किसी किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाला उत्तल दर्पण, किसी वक्रता की वक्रता त्रिज्या, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 3.3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, 3 मीटर है। यदि एक बस इसे पीछे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि इस दर्पण के ठीक पीछे एक बस स्थित है जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति यानी कि पोजिशन, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन बतानी है, पोजीशन, उसका नेचर और साइज बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, धीरे धीरे ब्रेक कीजिए प्रश्न को भाई, तभी समझ में आएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है और बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब यानी कि यहां पर जो वस्तु ऑटो यानी कि ये दर्पण के ठीक पीछे जो वस्तु वस्तु क्या है? बस। तो बस की दूरी कितनी है? 5 मीटर दूरी पर स्थित है, इसी का तो प्रतिबिंब बनेगा, बस का प्रतिबिंब। तो बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? बस है यहां पर, तो कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। आप देखिए, माना कि ये कोई दर्पण है, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो भाई, तभी इस वीडियो को देखो, ठीक है। ये पी है, यहां पर मैंने कहा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट बाईं ओर रखा जाता है, तो माना कि ये बस है जो ये दर्पण के पीछे यहां पर है, ठीक है भाई। और यहां से यहां पी से यहां तक की जो दूरी होती है इसको माइनस में लेते हैं और इधर की ओर की दूरी प्लस में लेते हैं, यानी कि वस्तु यहां से ये कितनी है? 5 मीटर की दूरी पर है और ये माइनस में हो जाएगी। ये मैंने आपको जब साइन कन्वेंशन बता रहा था, चिन्ह परिपाटी, वहां पर बताया था। तो -5 मीटर हो जाएगी बिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब यानी कि इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे निकालना है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी उसका साइज भी मुझे निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब की दूरी, दूरी को वी में मेजर करते हैं भाई, ठीक है ना, दूरी वी हो गई और बिंब की दूरी को यू और त्रिज्या आर, ठीक है। तो दर्पण सूत्र, सबसे पहले यहां हम दर्पण सूत्र से इसको निकालेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। आप देखिए वक्र यहां पर दी हुई है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी r/2, और r कितना दिया है? 3 मीटर, तो 3/2। अब ये धन में होगी कि ऋण में होगी? मैंने आपको क्या बताया था जब मैं इससे पहले साइन कन्वेंशन बता रहा था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम हमेशा प्लस में लेते हैं, ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में ली जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, इसलिए बोल रहा हूं, पहले की वीडियोस पहले देखिए, ठीक है। तो +3/2 इसकी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। भी हमें पता है, सॉरी, भी मुझे निकालना है, प्रतिबिंब की लेंथ मुझे निकालनी है और ऑब्जेक्ट की लेंथ मुझे पता है। तो रखिए जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखिए सीधे, तो 1/f 1/3/2 = 1/v मुझे चाहिए, अभी मुझे पता नहीं है, +1/u, u कितना है? -5, ठीक है। तो इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये ऊपर चले जाएगा तो 2/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 3
ये यहाँ पर चले जाएगा, तो 15 पांच तीन 15 3, और ये यहाँ चले जाएगा ऊपर, तो 3 5 15 और 5 2 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13/15, यानी कि 1/v, जो ये 1/v की जो वैल्यू निकली है 13/15, तो v बराबर हो जाएगा 15/13। तो 15/13 यानी कि इसको सॉल्व कीजिए, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, हाँ अब दिखाई दिया ना, हाँ यहाँ देखिए 1/5 3/2 ये हो गया इतना, इसका एलसीएम लिया 15, ठीक है, और 15 ये सॉल्व कर दिया ना इतना, ठीक है, तो v इसका टू 15/13 हो जाएगा, और इसको सॉल्व को 13 एकम 13, और बचा कितना 2, तो पॉइंट लगाया 20, तो 13 13 एकम 13 हो जाएगा, और 7 तो फिर 17 13 5 65, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये कैसे है, भी ये प्लस में है भाई, ठीक है, कैसे है, प्लस में है, यानी कि धन का चिन्ह है, तो यानी कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, ये तो जानते होंगे, ठीक है, तो यानी कि अब धन में है, जो लेंथ है वो प्लस में है, तो सीधी सी बात है इस साइड तो होगी नहीं, यानी कि जो इमेज बन रहा है ये दर्पण के पीछे यहां बन रहा है, ठीक है भाई, और हमेशा दर्पण जो इस साइड बन रहा है, यानी कि v इक्वल टू प्लस 1.5 है, तो यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के ठीक पीछे बन रहा है भाई, ठीक है, अब देखिए अब इसकी दूरी तो मुझे पता चल गई भाई, ठीक है भाई, हमें लेंथ पता लग गई है, प्रतिबिंब की दूरी पता लग गई है, अब हमें साइज चाहिए, तो आवर्धन, इसके लिए मुझे m इक्वल टू होता है, आवर्धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैं पहले बता चुका हूं, m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, यानी कि ये माइनस माइनस v बाई यू, मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं भाई ये, ठीक है, h डैश ये है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप यहां पर देखिए v की वैल्यू कितनी है, v कितना है प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा ये यू, ये क्या है, हाँ ये भी है, ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है 1.5, और यू की वैल्यू कितनी है -5, माइनस से माइनस मारा और इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा +2.23, अब देखो एम की वैल्यू प्लस है, एम की वैल्यू प्लस है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, अगर माइनस होता तो कैसा बनता, वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, अगर m इज ग्रेटर देन 1 होता तो प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से अधिक होता, लेकिन ये कम है, यानी कि साइज में जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मुझे जल्दी लिखना पड़ता है, बिंब के साइज से छोटा है, और छोटा कितना है, इतना 2.23 गुना, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, एम से कम है तो बिम क्या होगा, छोटा होगा, एम की वैल्यू 1 से कम है, मैं पहले बता चुका हूं इसको, चलिए आगे, ठीक है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिम है, बिम यानी कि ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितना है, यानी कि ये कोई दर्पण है यहां पर, ठीक है ना, बिम को इस साइड रखा जाता है, यानी कि इसकी जो साइज है ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकस दूरी होगी, और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, और फोकस दूरी के यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, इसकी फोकस दूरी जो अवतल दर्पण, कैसा अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर है, और उस 15 सेंटीमीटर से कहां रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, यानी कि दर्पण से मैं यहां पर कोई ऐसा पर्दा कितनी दूरी पर रखूं कि प्रतिबिंब स्पष्ट बने, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कैसा बने, स्पष्ट बने, तो प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर और उसका साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ब्रेक कीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है हमें, बिंब का साइज, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट, बिंब का साइज, तो बिंब का साइज कितना है 4 सेंटीमीटर और ये किसमें है, प्लस में दिया हुआ है, ठीक है भाई, प्लस में दिया हुआ है बिंब का साइज, और बिंब की दूरी, बिंब की दूरी कितनी है, देखो बिंब क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, बिंब कितनी दूरी पर रखी है 25 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु है ये और ये हमेशा बाईं ओर रखी होगी, यहां से फोकस दूरी से इस ओर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी, यानी कि इस ये दूरी क्या होगी, माइनस होगी। वैसे भी मैंने आपको बताया था बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और उसको ध्रुव से, अगर उसकी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है जो माइनस में ली जाती है और इस ओर प्लस में होगी, ठीक है, तो बिंब की दूरी माइनस में आ जाएगी, यानी कि बिंब की दूरी, यानी कि इसको यू मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए, बिंब की दूरी और फोकस दूरी और क्या दी हुई है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी को हमेशा प्लस में लेते हैं और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, मैं पहले बता चुका हूं ये, ठीक है भाई, इतना समझ में हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे चाहिए है, और निकालना क्या है, एक तो निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी वी निकालनी है, प्रतिबिंब का साइज यानी कि एच डैस, ठीक है, साइज ऑफ इमेज एच डैस, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाऊंगा, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि f बराबर में होगा, ये दोनों प्लस में होंगे, ठीक है, तो रखिए वैल्यू, रखिए भाई 1/v, मुझे क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, तो इसको पक्षांतर करो, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f - 1/u, यहां प्लस में, यहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो रखिए इसकी वैल्यू 1/, ये बराबर हो जाएगा 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f कितना है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर के माइनस में है 15, और माइनस, और यू की वैल्यू कितनी है, यू कितना है 25, ठीक है, तो -25, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको कॉमा ले लूंगा तो प्लस साइन हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/15 + 1/25, एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 75, ठीक है, और 75 15 60 15 5 75, ठीक है 15, और ये माइनस साइन है ना, और ये हो जाएगा 75, 25 दिया 75, तो 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 - 2/75, -2/75, यानी कि 1/v बराबर -2/75, तो v बराबर ये 75/2 हो जाएगा, v बराबर 75/-2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, ठीक है ना, और ये माइनस साइन आ जाएगा इसका, ठीक है, 2 3 6 और 2 7 14 पॉइंट लगा देंगे 5, तो -37.5 कितना हो जाएगा, -37.5, ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, और ये माइनस में है भाई, इसका मतलब ये दर्पण के इस ओर ही है, इस ओर नहीं है, ठीक है, हाँ, तो -3.75 हो गया। तो पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखा जाएगा, यहां पर कोई पर्दा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसको मैं दर्पण से कितनी दूरी पर रखूंगा, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूंगा, तो यहां से यहां की ओर होगी तो माइनस में होगी, तो इतनी दूरी पर मैं पर्दे को रखूंगा भाई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, साइज चाहिए h, ये चाहिए प्रतिबिंब का साइज h डैश, तो m इज इक्वल टू होता है h डैश / h, साइज ऑफ इमेज / साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
और ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू यानी कि मुझे क्या चाहिए, एच डैश चाहिए, तो माइनस वी इंटू एच, ये एच डैश चाहिए ना मुझे, तो ये यहां चले जाएगा और बटे भी। तो माइनस भी कितना है भाई, माइनस भी कितना है, -37, -37.5 और इंटू एच, एच हाइट ऑफ इमेज कितनी है, अरे बिंब की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है ना ये यहां पर, तो 4 और बटे ये कितना है भी अपॉन भी बाई यू है ये, ठीक है ना। यू कितना है, -25 यहां पर दिया हुआ है ना, यू -25। तो इसको सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एच डैश की वैल्यू निकलेगी यहां पर, तो एच डैश बराबर हो जाएगा, मैं वीडियो को पॉज करके साइन सॉल्व सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हाँ तो मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। आप देखो माइनस में आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब इसका एम की वैल्यू, ठीक है, माइनस ये दूरी भी माइनस में है, हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट भी माइनस में है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब उल्टा होगा यहां पर, प्रतिबिंब कैसा होगा, वैसे भी अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा यहां पर, मुझे हाथ रखने के लिए नहीं होता इसलिए लिखने के लिए नहीं होता, और आवर्धित होगा, आवर्धित यानी कि बड़ा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और बड़ा होगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 सेंटीमीटर, यहां 6 है, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा और बड़ा होगा, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या आर बाई टू, ठीक है ना, आर बाई टू। तो आर बाई टू यानी कि ये हो जाएगा 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लेते हैं तो +16 सेंटीमीटर हो जाएगी, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब अगला है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि कोई अवतल दर्पण है और जिसके सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई बिंब रखा है, और वो क्या कर रहा है, जो प्रतिबिंब बना रहा है वो 10 गुना बड़ा आवर्तित, 10 गुना आवर्तित प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक बना रहा है, वास्तविक बनाएगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि सीधी सी अंदाजा लगा दिया, अवतल दर्पण पर वैसे भी वही बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मोस्ट एक केस में नहीं बनता है, वो मैंने आपको बता रखा है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो करिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आवर्धन, हमें आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन कितना है 10 गुना, आवर्धन कितना है, आवर्धन आवर्धन 3 गुना, तो 3, ठीक है। अब ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो वास्तविक के लिए एम की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है ना, हाँ, तो -3 हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, प्लस और आभासी के लिए प्लस में आता है, वास्तविक के लिए माइनस में आता है, ठीक है, -3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब बिंब की दूरी, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस होती है भाई, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार माइनस में होगी, क्योंकि ये दर्पण है, तो दर्पण की इस साइड रखी होगी, ये दूरी पी से यहां से माइनस होती है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। और मुझे प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है भाई। तो आवर्धन, यहां पर आवर्धन दिया हुआ है ना, तो आवर्धन यहां पर दर्पण सूत्र की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आवर्धन बराबर होता है एक फॉर्मूला, -V/U या फिर H-H, तो -V/U, तो आवर्धन कितना है, -3 और बराबर V, V की वैल्यू कितनी है, V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी मुझे पता नहीं है, -V मुझे पता नहीं है, और यू कितना है, यू कितना है, -10, यही तो है,
-10 है ना, ठीक है, तो -10 है तो इसको यहां से यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -b इक्वल टू हो जाएगा 10 30, तो -30 ठीक है। यहां पर देखिए जरा इसको देखिए, -3 हो जाएगा और -3 इक्वल टू हो जाएगा -v/u, यानी कि -v, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू मुझे चाहिए प्रतिबिंब की, और u कितना है -10, माइनस माइनस से मारा ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/v=10, ये यहाँ पक्षांतर हो जाएगा ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा, यानी कि v बराबर हो गया 10 30 -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो यहां से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, जो माइनस में है, -30 सेंटीमीटर बाई ओर, यानी कि प्रतिबिंब बाई ओर ही बनेगा, बल्कि दर्पण के आगे बनेगा, पीछे नहीं बनेगा ठीक है। हाँ, तो माइनस में है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो -3 सेंटीमीटर दूरी पर, या फिर हम कह सकते हैं -3 नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने, माइनस में है तो दर्पण के आगे बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर प्रतिबिंब प्लस में होता तो पीछे बनता, लेकिन माइनस में है तो आगे बन रहा है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।